हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी बहुत ही खास है। आज मैं लेके आई हूँ महाराष्ट्रियन स्टाइल क्रैप करी की रेसिपी। तो हम आज इसे एकदम ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन स्टाइल में बनाएंगे। इसे महाराष्ट्र में चिंबोरी यानी कि खेकड़ा भी बोलते हैं। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। मैंने यहाँ पे बड़े साइज़ का डिप बर्तन लिया है, यानी कि ये टोप है। आप चाहे तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच तेल डाला है और तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद एक छोटा सा बारीक कटा हुआ प्याज डाला है। इस करी में तेल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही होती है, तभी उसमें स्पाइसी। महाराष्ट्रियन स्टाइल जो भी नॉनवेज रेसिपीज़ बनती है उसमें तेल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही होती है। 1 मिनट प्याज को अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अभी दोनों को एक साथ अच्छे से भूनेंगे। प्याज और अदरक लहसुन की पेस्ट को हमें अच्छे से एकदम गोल्डन ब्राउन होने 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस तरह से हमें प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट को एकदम गोल्डन ब्राउन भूनना है। मीडियम फ्लेम पर आप भूनेंगे तो अच्छे से भून जाएगा। अब मैं यहाँ पर 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। इस स्टेज पे गैस फ्लेम हमें स्लो ही रखना है। अब मैं यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच जो होममेड वाला मिर्ची पाउडर होता है, महाराष्ट्र में हमारे होममेड मिर्ची पाउडर ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो साल भर के लिए घर में स्टोर करके रखते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिया है। और 1 बड़ा चम्मच मैं यहाँ पे गरम मसाला पाउडर ले रही हूँ। गैस फ्लेम स्लो पर ही रख के हमें इसे अच्छे से 1 मिनट के लिए भूनना है। आप चाहे तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, बट उससे सिर्फ कलर आएगा, फिर वो स्पाइसीनेस नहीं आएगा जो हमें स्पाइसीनेस इस क्रैप करी में चाहिए, वैसे नहीं आएगा। तो आप दोनों चाहे तो मिक्स करके भी डाल सकते हैं, कश्मीरी और जो घर का तीखा मिर्च मसाला होता है वो आप उसे मिक्स करके आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर बारीक काट करके डाल दिए हैं। टमाटर को अच्छे से हमें सॉफ्ट होने तक पकाना है। मीडियम गैस फ्लेम पे ही हमें टमाटर को अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है। अगर आप मसाला आपका बॉटम में चिपक रहा है या जल रहा है तो आप इसमें 2 छोटे चम्मच से 2-3 चम्मच पानी डाल के टमाटर को अच्छे से सॉफ्ट कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट बाद आप देख सकते हैं टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाला था और टमाटर को अच्छे से सॉफ्ट कर लिया है। आप चाहे तो टमाटर का पेस्ट करके भी पका सकते हैं, बट जो चॉप करके टमाटर हम लोग यहाँ पे डालते हैं उसका टेस्ट अलग ही आता है और टमाटो पूरी का टेस्ट अलग आता है। अब मैं यहाँ पे क्रैप्स डाल रही हूँ। क्रैप्स के लेग्स मैंने अलग तोड़ के लिए हैं और बाकी के बॉडी पार्ट्स अलग तोड़ के उनको अच्छे से धो के क्लीन करके लिया है। बहुत सारे लोग क्रैप्स को पूरी होल क्रैप्स ही बिना तोड़े उनको बिना साफ किए यूज़ करते हैं, बट हमारे घर में हम लोग तोड़ के अच्छे से क्लीन करके ही इसे यूज़ करते हैं, उसकी सब्जी बनाते हैं या करी बनाते हैं। आपको जैसे पसंद है होल या उसको तोड़ के आप वैसे कैसे भी बना सकते हैं आपके पसंद के हिसाब से। मैंने यहाँ पे 10 से 12 बड़े साइज़ के क्रैब लिए हैं। आप हमेशा क्रैब करी बना रहे तो अच्छे क्वालिटी के फ्रेश क्रैब ही लें, तभी करी का टेस्ट अच्छा आता है। अब इस स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। आप चाहे तो नमक पानी की क्वांटिटी एडजस्ट करने के बाद लास्ट में भी डाल सकते हैं, बट अभी थोड़ा सा नमक डालेंगे तो क्रैब में वो अच्छे से उसका टेस्ट उतर जाएगा और क्रैब हमारे फीके नहीं लगेंगे। मैंने यहाँ पे क्रैप्स के जो लेग्स थे वो बड़े साइज़ के थे, तो मैंने उनको थोड़ा सा क्रैक करके यहाँ पे डाला है। क्रैक करके डालेंगे तो उसमें मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। क्रैप्स के जो लेग्स होते हैं उसमें मसाले ऐसे जाते नहीं हैं अगर बिना तोड़े हम लोग डालते हैं, तो आप हमन दस्ते से थोड़ा थोड़ा क्रैक करके उसको ऐसे डालेंगे तो उसमें जो ये मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, और ऐसा करने से उसमें थोड़ी थोड़ी ग्रेवी भी अंदर चली जाती है, तो बहुत ही टेस्टी लगते, फीके फीके नहीं लगते हैं। तो सभी क्रैप्स यहाँ पे मसालों के साथ अच्छे से मैंने कोट कर लिए हैं। अभी हमें इस पर पानी नहीं डालना है। गैस हमें मीडियम टू लो पे रख के इसे ढककर रखना है और बिल्कुल 10 से 15 मिनट के लिए हमें अच्छे से पका लेना है। इस तरह से क्रैप करी आप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनती है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 10 से 15 मिनट हो गए, तो आइए चेक करते हैं हमारे क्रैप्स। वाओ, क्रैप्स एकदम ऑरेंज ऑरेंज कलर के हो गए हैं। इसका कलर चेंज होता है, खारे पानी वाले क्रैप्स अगर आप लेते हैं तो उसका कलर ऑरेंज चेंज होता है थोड़ा सा पकाने के बाद। अभी यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी छूट गया है, हम लोगों ने पानी बिल्कुल नहीं डाला था, और तेल भी अच्छे तरह से छूट गया है।
अभी मैं यहाँ पे महाराष्ट्र स्टाइल जो वाटन होता है नॉनवेज में जो स्पेसिफिकली डालते हैं वो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, उसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से डाल रही हूँ। ये वाटन का डिस्क्रिप्शन कैसे मैंने बनाया है उसका डिस्क्रिप्शन और इंग्रेडिएंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। इसमें कुछ नहीं है, इसमें प्याज, सूखा नारियल, अक्खा धनिया और जीरा मैंने भून के अच्छे से उसका एक फाइन पेस्ट बना लिया है। सब इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से लाल लाल होने तक भून लेना है और उसका पानी डाल के अच्छे ऐसे पेस्ट बना लेना है। इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डाल। इस मसाला की पेस्ट की जो इंग्रेडिएंट्स है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी डिटेल्स दे के रखी है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। गैस हमें स्लो टू मीडियम फ्लेम पे ही रखना है और इसे फिर से कवर करके सिर्फ हमें 2 मिनट के लिए पकाना है, क्योंकि मसाला हमारा ऑलरेडी भुना हुआ है तो इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 मिनट हो गए, आइए चेक करते हैं। मसाला हमारा अच्छे से पक गया और पानी भी यहाँ पे छूट गया है। तो मैंने यहाँ पे अभी 10 से 12 कड़ी पत्ते को अच्छे से तोड़ के डाला है। आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं, बट कड़ी पत्ता तोड़ के डालेंगे तो उसका फ्लेवर और खुशबू अच्छा आता है। अगर आपको कड़ी पत्ता नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं, बट कड़ी पत्ते से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू आती है। अगर आपको मसाला क्रैब पसंद है तो आप इस स्टेज पे और 5 से 10 मिनट पका के बिना पानी डाले ऐसे ही इसे खा सकते हैं। यह भी बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगता है। और आपको करी बनाना है तो आप अपने हिसाब से पानी की क्वांटिटी एडजस्ट करके करी बना सकते हैं। पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें। मैंने यहाँ पर 1 बड़ा ग्लास पानी डाला है, अब इसमें मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पानी डालूँगी। पहले मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि मसाला हमारा अगर बीच में चिपक गया तो बर्तन में नीचे चिपक जाता है और जल जाएगा और हमारी ग्रेवी का और करी का टेस्ट पूरा चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और पानी डाल के करी को एडजस्ट कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से पानी डाल के करी एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मिक्स कर लेना है और इसे हमें 5 से 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कवर करके बॉयल कर लेना है। 5 मिनट मैंने हाई फ्लेम पे करी को अच्छे से बॉईल होने रखा है, तो आइए चेक करते हैं। तो तैयार है हमारी स्पाइसी महाराष्ट्रियन स्टाइल ऑथेंटिक क्रैब करी। इस स्टेज पे आप धनिया पत्ता डाल के करी को गर्मा गर्म राइस और भाकरी के साथ सर्व कर सकते हैं। हमारे महाराष्ट्रियन फैमिलीज़ में क्रैब के जो शेल होते हैं ऊपर के उसे फेंकते नहीं हैं, उसे हम लोग स्टफ करके इस करी में डाल देते हैं और उसे बहुत पसंद से लोग खाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि क्रैब के जो शेल्स होते हैं उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डालना है और कैसे स्टफ करना है। करी हमारी एकदम यहाँ पर तैयार है, उसकी थिकनेस भी अच्छी है। यहाँ पर मैं अभी जो क्रैब्स के शेल थे उसमें हम लोगों ने बेसन, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ धनिया, नमक, मिर्ची और हल्दी डाल के उसका एक ऐसे ज़्यादा बैटर बना लिया है। उसको ये शेल्स में ऐसे स्टफ कर लिया है। अभी इन स्टफ किए हुए शेल को हमें इस करी के ऊपर रखना है, उन्हें मिक्स नहीं करना है और 5 मिनट के लिए कवर करके इसे पकाना है, ताकि जो बेसन की स्टफिंग हम लोगों ने यहाँ पे डाली थी तो बेसन हम लोगों ने पानी से गीला कर लिया था, तो उसे थोड़ा सा हम लोग हार्ड होने देंगे, पकने देंगे। ऊपर ऊपर से हमें थोड़ी सी करी उनके ऊपर डाल लेनी है ताकि उसका करी का स्पाइसी टेस्ट उसमें अच्छे से आ जाए। इसे 5 मिनट के लिए कवर करके हमें इसे थोड़ी देर पका लेना है। महाराष्ट्र फैमिलीज में ऐसे स्टफ किए हुए क्रैब के शेल को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और उसे ऐसे करी के ऊपर रख के स्टीम या पकाया जाता है। 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं शेल्स का कलर भी कितना बढ़िया प्यारा और स्पाइसी चेंज हो गया है। बहुत ही प्यारी और एकदम स्पाइसी हमारी करी लग रही है, एकदम ढाबा स्टाइल जो क्रैब करी मिलती है उसी स्टाइल ये करी लग रही है। क्रैब के शेल में जो स्टफिंग डाली थी वो मैं आपको एक क्रैब का शेल उल्टा करके दिखा देती हूँ। बिल्कुल भी बाहर स्टफिंग नहीं आई है, बिल्कुल परफेक्ट उसके इनसाइड ही है। तो इस तरह से हमें ये शेल्स में जो स्टफिंग की है उसे पका लेना है ऊपर रख के ही। बहुत ही प्यारे शेल्स लग रहे, एकदम स्पाइसी कलर चेंज हो गया उसका। तो यहाँ पे क्रैब करी हमारी पक के रेडी हो गई है। गैस फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और यहाँ पे मैंने हरा धनिया डाल दिया है। हरे धनिया की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखें, उसके अच्छा टेस्ट आता है करी में। आप चाहे तो हरा धनिया जो मसाला पेस्ट हम लोगों ने बनाया था उसमें पीस के भी डाल सकते हैं। तो आइए सर्व करते हैं। बड़े साइज़ की डिश में मैं यहाँ पे करी आपको दिखा रही हूँ कैसे लग रही है। एकदम ढाबा स्टाइल स्पाइसी और टेस्टी हमारी क्रैब करी बन के तैयार है, और वो भी महाराष्ट्रियन ऑथेंटिक स्टाइल। आप इस क्रैब करी को महाराष्ट्र स्टाइल जो ज्वारी बाजरे की रोटी होती है यानी भाकरी या राइस की भाकरी होती है उसके साथ सर्व कर सकते हैं, चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं, या आप जो स्टीम राइस होता है अपना सादा राइस उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ में अपनी प्यारी प्यारी कमेंट्स भी शेयर करें।
अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, उससे मेरी नई रेसिपीज़ की अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगी। तो मिलते हैं हमारे नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीक। थैंक यू, बाय बाय।